प्रशासन लेगा आजियो आम पंगा लगे लगे मरे गए मारे गए पूरी चेतावनी अजी मारिया। रात 12 बजे तक मैं एसपी साहब के साथ था और बुल्ले पंडित का संजय उसमें मैं फिरौती का पर्चा दर्ज करवाऊंगा। जोन साहब बोले उसे पर्चे दर्ज अनुभव ने तो छोड़ता कौन मतलब भूडी भूडी गाली दे रहा जी। उसमें जो सारा प्रशासन मेरे गला है एसडीएम एसपी डीएसपी जो कुछ भी था कुछ बाजलो जड़े लग बाजा जावे जा जमन छोड़ता और जोन साहब उसे गोली मारूंगा। क्या ये बात है? और एसपी साहब से मेरी रात 12 बजे तक मीटिंग हुई है। बढ़िया सारा सिस्टम मेरे साथ है और जोन साहब बोलेगा उसे के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। कोई फिरौती का कोई डकैती का कोई मतलब दीवार तोड़ने का कोई प्रशासन कानूनी काम में बाधा डालने का किसी गला झगड़िया का मतलब उन्हें 23-24 पर्चे तो मार्फे दर्ज करवा दिए है जी। और मेरे खुद पिछली बारी जो लोड़ा था कुछ रोड में मेरा नू पिस्तौल काट का गोली मार रहा था फिर पिटा था जी वो और फिर और बहुत दुखी कर से हमने कोई बैर का रे आयु और हम न बसन नहीं धंधा सारे मारे बटोड़े फूक दिए सारा मारा जो किकर थी वहाँ मारी के काट काट कहीं ने बेच दी है ये वो हम तो डेक मैं फिर धक्के खाते सरकार तो सो सोगत के पलाट दे रही है और मारे ना खुश ली और मारे खुश हम लग रहे ये वो हम कहाँ जाओ जी गरीब मानस अपने बाल का नहीं देखे साला के नाम से ही खाली करवाई गई थी जी आगे या धर्मशाला को दे देंगे थोड़ी बहुत ही मैं ले लूँगा बाकी कुछ आने पलाट दे दूंगा बांट के मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा। तो यह होने के बाद में जी बाद में वो इस बात तक मुकर गया जी। उसने ठगे हुआ अमर तो 70 लाख में बेची जी जाकर रोड़ा बद गया जी। फिर हमने मतलब कहे अभी मारे प्लाट कटे गए जो उनसे दूध था धर्मशाला की भी पंजाबिया तो बेचन की कर ली थी जी ने इस वजह से रोड़ा बद गया जी। वहाँ पे मारा पिट्टी खूब हुई है जी। अरे प्रशासन तो जी ना ही मात्र है जी कुछ नहीं मारी कार्रवाई करे रहे जी। प्रशासन से मांगे अगर मारे को ना देना ना दो और पार्क बना दो धर्मशाला बना दो जो भी सार्वजनिक चीज है जो सारे शहर के काम आ जाए वह बना दो। हम ऐतराज नहीं करेगा हम दो रखड़ों का बनवा देंगे अपने पास से पैसे भी देंगे। अब ये हरियाणा वक्फ बोर्ड की जमीन है और मैंने ये पटेनामे पर ले रखी है तो ये जमीन 3144 वर्ग गज है जिसमें से मैंने लगभग 700 गज 36 बिरादरी की धर्मशाला के लिए इन लोगों को जो याद दंगा कर रहे हैं इनको ये डोनेट करी थी भाई 36 बिरादरी की आप धर्मशाला बनाओ। लेकिन ये एक तो नरेश जांगड़ा है और एक ये रामेर जिमर है ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए मतलब प्रशासन ने भी गुमराह कर रहे हैं और लोगों ने भी गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन ने जो ईसा खरीदा जावा तो सिरसाला बाबा नहीं खरीद लेंदा मैं बाबा थोड़ा हूँ सिरसाला वो बता रहे हैं हमारे पास मेरे सुनो हाँ दिखाओ फिर रिकॉर्डिंग है तो मैं खुले शब्दों में कहूँ अगर मैं गलत हूँ तो मेरी आज FIR दर्ज कराओ। अनिल अभी आपने एक बात बोली कि जब भी आप यहाँ पेशी पे आते हो तो वो आपको धमकी देते क्या आपको लगता है कि इन लोगों से आपको अपनी जान माल का भी खतरा है? बिल्कुल है जी नरेश जांगड़ा और रामेर जिमर से बिल्कुल है। ये जो नरेश जांगड़ा और ये दोनों क्रिमिनल टाइप के लोग हैं और ये रामेर तो सरेआम मतलब ये देख लो जब ये जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड ठेके हैं ये उन्हें की नहीं मान रहे तो 24 घंटे चार इसके तीन लड़के हैं तीनों लड़कियां मतलब बाइका में सारा दिन खुली शराब बेच रही हूँ क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी कुछ भी कर सकता है। ये लोग आपको धमकियां दे रहे हैं कि इस बारे में आपने पुलिस प्रशासन को सूचित किया है कि इनसे आपको खतरा है? हाँ जी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है एसपी साहब को। एसपी साहब ने बिल्कुल ये कहा था भाई चलो ठीक है अगर कोई इस प्रकार की बात हो तो हम उचित कार्रवाई करा। देखिए इनका एक केस जो है वो पुलिस के द्वारा भेजा गया है 145 धारा के तहत अटैच करने के लिए जी तो उसके ऊपर ही कार्रवाई के तहत इनको बुलाया गया था जो दोनों पार्टियां हैं आज उनको रिप्लाई फाइल करना था जी। लेकिन किसी पार्टी के द्वारा अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया गया रिटर्न में तो इनको अगली डेट दी गई है अगली डेट तक रिटर्न में रिप्लाई जो भी अपना दावा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेंगे उसके बाद अगली कार्रवाई की आई हुई थी। उन्होंने ये प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन इस मामले पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है क्या कहना चाहेंगे? नहीं इसमें देखिए जो इनको टाइम दिया जा रहा है जैसे आज इनको जवाब दावे के लिए टाइम दिया गया था तो इन जवाब दावा तो इनके द्वारा ही नहीं दिया गया। अच्छा तो आशा करते हैं कि अगली डेट तक ये अपना जवाब दावा देंगे ताकि हम जल्द से जल्द इस जो पेटिशन हमारे पास है उसका फैसला हम कर सकें। बोर्ड की जमीन वो एक्चुअल है किसके नाम सर? वक्फ बोर्ड के नाम होती है वो वक्फ बोर्ड की जमीन और उसका पट्टानामा करता है। पट्टानामा किसके नाम है सर? पट्टानाम तो अभी तो अनिल के नाम है जैसा कि वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड है अनिल के नाम उसका पट्टानामा है अनिल को ही है। हाँ इनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं कि गलत है तो इसके रिगार्डिंग उनका सिविल कोर्ट में कोई केस भी चल रहा है तो इसमें तो कोई ये सब एक सब जुडिस मैटर है इसमें पहले कोई कुछ नहीं कह सकता अगर